नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अंकित गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड के स्कूलों के बारे में। देखिए दोस्तों, एमपी बोर्ड की तरफ से एक न्यूज़ आई है अभी अभी, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है न्यूज़पेपर में, आपके काम की बात है तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। क्या दिया हुआ है, राहत भरी खबर, निजी स्कूल को 10% फीस बढ़ाने की छूट का आदेश भी वापस लिया गया। यानी जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनको 10% फीस बढ़ाने की छूट का आदेश जो सरकार ने दिया था उसको वापस ले लिया गया है। सरकारी स्कूल में विकास विविध शुल्क लेने पर रोक, यानी जो विकास की विविध की शुल्क है उसको भी लेने पर रोक लगा दी है सरकार ने। और देखिए हम आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी DEO ने आदेश जारी किया कि कोई भी सरकारी स्कूल शाला विकास व विविध शुल्क के नाम पर छात्रों से पैसा नहीं लेगा। यानी जो छात्रों से स्कूल में शाला विकास व विविध शुल्क लिया जाता है उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में अगर यह राशि ले ली है तो उसे वापस लौटाया जाएगा। यानी जिन जिन स्कूलों ने यह राशि ले ली है उन सभी स्कूलों को यह राशि वापस लौटानी होगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी। यानी जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो स्कूल की फीस बढ़ाते ही जा रहे हैं, छात्रों को बड़े परेशान कर रहे हैं, छात्रों को पेरेंट्स को बड़े परेशान कर रहे हैं, उन पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल 29 जून को विभाग ने एक आदेश जारी किया था, यानी 29 जून को विभाग ने एक आदेश जारी किया गया था जिसमें निजी स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी थी। यानी निजी स्कूल हैं उनको 10% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी थी। यह आदेश तब तक जारी हुआ जब प्रदेश भर में पालकों द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में आंदोलन छेड़ गया। यानी जो निजी स्कूल थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, इसलिए पालकों ने यानी स्टूडेंट के माता पिता ने हड़ताल की, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने 10% फीस जो निजी स्कूलों को छूट दी थी बढ़ाने की उसको वापस ले ली है। अब दबाव में आकर उक्त आदेश को वापस ले लिया गया है। यानी 10% की छूट बढ़ा दी थी उसको वापस ले लिया गया है। विभाग के उप सचिव के द्विवेदी ने सभी कलेक्टर DEO को आदेश दिया कि निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाई जाती है तो उन पर कार्रवाई करें। यानी जो निजी स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ट्यूशन फीस का विवाद, यानी जो ट्यूशन फीस थी उस पर भी विवाद है। निजी स्कूलों को कहा गया कि वे ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क ना लें। यानी जो ट्यूशन पढ़ाने का ही शुल्क लें, महीने के 250 या 500 रुपये जो ट्यूशन फीस लगती है उसी उतने ही रुपए लें, इसके अलावा ना लें। सरकार को लगता है कि वह इस तरह के आदेश जारी करके पालकों को बड़ी राहत दे रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। निजी स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली राशि का 80 से 85% फीसदी तो ट्यूशन फीस ही रहती है। यानी कि जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी 80 से 85% तो ट्यूशन फीस ही रहती है, अन्य शुल्क नाम मात्र के रहते हैं। उनकी पूरी लूट इसी पर आधारित रहती है, यानी ट्यूशन फीस के नाम पर ही वो लूटते हैं। पालक संगठनों का कहना है कि सरकार वाही लूटने के लिए 2 साल के ऐसे आदेश जारी कर रही है। पालक कह रहे हैं कि सरकार ऐसे आदेश जारी कर रही है वाही लूटने के लिए। और देखिए, सरकारी स्कूलों की फीस में एक रूपता नहीं, उत्कृष्ट स्कूल में 1200 से 1480 रुपये फीस लगती है। यानी जो एक्सीलेंस स्कूल रहते हैं, उत्कृष्ट स्कूल रहते हैं, उनमें 1480 रुपये फीस लगती है। इसमें शाला विकास के 500 और विविध शुल्क के 200 रुपये शामिल रहती हैं। इसके अलावा डायरी, नामांकन परीक्षा, खेल, स्थानीय परीक्षा, विज्ञापन, स्काउट, रेड क्रॉस, रोजगार, पंजीयन, क्रियाकलाप मद में राशि ली जाती है। यानी इन सभी के लिए भी राशि ली जाती है। हायर सेकेंडरी क्रमांक 2 में कक्षा 9वीं व 11वीं की कुल फीस 750 रुपये, इसमें शाला प्रोत्साहन शुल्क के रूप में 50 व अन्य पद, ये पद लिखा हुआ है इसमें मद गलत लिखा हुआ है, मद के में 73 रुपये लिए जाते हैं। यही राशि 10वीं व 12वीं की क्लास में भी ली जाती है। इन क्लास अधिकारी अधिकतम राशि 535 होती है। यानी जो अन्य सेंटरों पर लिए जाते हैं उन सभी को बंद किया जाए। और कला व वाणिज्य के छात्रों की फीस 485 रुपये परीक्षा शुल्क अलग है। MLB गर्ल्स हायर सेकेंडरी में कुल फीस 650 रुपये, इसमें शाला विकास को शाला संचालन नाम दिया जाता है। इस मद
में 200 रुपये लिए जाते हैं, यानी अलग अलग तरह से नाम दे के इनके रुपए लिए जाते हैं। अन्य का शुल्क 10 रुपये सालाना है। बाकी सारे मद वही के वही हैं। वही शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी केट की कुल फीस 830 रुपये है, जबकि नवी से 273 रुपये अतिरिक्त नामांकन शुल्क के रूप में लिए जाते हैं। यहाँ शाला विकास के नाम पर 200 और अन्य मद में 100 रुपये लिए जाते हैं। तो ये सभी अंडरसेंड जो रुपए लिए जाते हैं, उन सभी को सरकार ने बंद कर दिया है। तो आपको इन सभी के रुपए नहीं देने हैं। तो इसके ऊपर ये न्यूज़ थी। आप सभी को ये सब कर नहीं देने पड़ेंगे, सरकार ऐसा आदेश जारी करने वाली है। तो आपके लिए खुशखबरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसी कोई नई न्यूज़ आती मैं आपको बताता हूँ।